मुनव्वर राना साहब का शेर है कि उन घरों में जहां मिट्टी के घड़े होते हैं, कद्म छोटे हों मगर लोग बड़े होते हैं। औसत कद के लेकिन अपनी कला के हिसाब से बात की जाए, कला के क्षितिज पर, कला के पटल पर बात की जाए तो बहुत बड़ा नाम बना चुके राजेंद्र गंगानी जी। हम आभारी हैं उनके कि उन्होंने म्यूजिकल हेरिटेज के लिए समय निकाला। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। राजेंद्र जी, पहला सवाल तो यही कि जैसा मैंने कहा आपके आपके परिचय के लिए कि उन घरों में जहां मिट्टी के घड़े होते हैं, कद में छोटे हों मगर लोग बड़े होते हैं, एक अच्छा कलाकार होने के लिए एक अच्छा इंसान होना कितना ज़रूरी है? मैं यही बताना चाह रहा था कि गुरु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से मैं कितना अच्छा इंसान हूँ इसकी तो अपने मुँह से मुझे खुद को ना पता ना मैं कह सकता, लेकिन मैं एक बात बता सकता हूँ कि गुरु जी हमेशा एक चीज़ बोलते थे कि आप जिस तरीके से अंदर हैं उसी तरीके से आप मंच पे आ जाते हैं। तो जो सोच या जो विचार आपको मिले हैं अपने परिवार से और वो जो परंपरा से, वो विचार ही आपको इंसान बनाते हैं। और एक इंसान पहले होता है, फिर उसके बाद वो कुछ कलाकार या जो भी श्रेणी में जाए वो बाद की बात है। पैदा होता तो कुछ भी नहीं करता, वो संस्कार से ही आगे बढ़ता है। तो अच्छा इंसान सही मायने में बहुत है कि उसको अगर अच्छा कलाकार बनना है तो एक अच्छा इंसान पहले बने ताकि वो अच्छा कलाकार एक कदम आगे बढ़ सके। पंडित जी, आपके बारे में यह भी कहा जाता है कि आपके जो शिष्य हैं वो आपसे डरते नहीं हैं। यानी इसको दूसरी तरीके से अगर मैं कहूं तो आपका जो उनके साथ बर्ताव है वो बड़ा दोस्ताना है, आप दोस्तों की तरह से रहते हैं उनके साथ। आप कैसे आप परिभाषित करते हैं गुरु शिष्य की जो परंपरा है, जो वो रिश्ता है, जो एक खास एक बंधन है, उसको आप किस तरह से परिभाषित करते हैं? मैं ये सोचता हूं कि शिष्य और गुरु शिष्य जो परंपरा है उस परंपरा में इतनी जगह या इतनी स्पेस होनी चाहिए कि शिष्य अपने भीतर की जो भी उसको तकलीफ़ या खुशी है या वो जो महसूस करता है वो बिंदास गुरु से बोल सके। अगर उसे डरा डरा के या उसको हम दबा के उसे रखें तो हम उसे जैसे एक मिट्टी होती है उसे पीट पीट के और उसे प्यार से भी तो रखते हैं, खाली पीट के मिट्टी से कभी कोई अच्छी आकृति नहीं निकल के आई, वो आकृति दोनों तरफ से बन के आती है। तो जो बच्चे या जो भी शिष्य मेरे से सीखते हैं वो उनको जानबूझ के एक मेरी तरफ से कोशिश रहती है कि एक खुला वातावरण रहे कि वो अपने आप को सहजता से रख सकें, क्योंकि सहज होना बहुत वही अच्छा इंसान भी तो बनना है। तो अच्छा इंसान बनना है उसके लिए वो पहले सहज रहे, सहजता से अपने आप को रखे और वाकई वो मेरे जहाँ गुरु की एक इज्जत होती है एक ऊपर उनको कायम रखना चाहिए। काम के वक्त वो बिल्कुल हम ऐसे हैं कि ये ठीक नहीं है तो ये ठीक नहीं है, तो वो एक काम का दायरा ऐसे है, काम हुआ, शिक्षा का लेन देन हुआ, कार्यक्रम हुआ, ये सब कुछ हुए, उसके बाद हम एक सब एक इंसान के जैसे हो जाते हैं। वो परंपरा में भी है और वो उसको कायम भी रखना चाहिए।
यानी जी हम सब जानते हैं शास्त्रीय संगीत हो चाहे नृत्य हो चाहे वो घराने के हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं, घरानों में बटा हुआ है, अलग अलग घराने हैं। आप जयपुर घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके घराने के बारे में कुछ हमें बताएं, क्या खासियत है, कैसे ये घराना दूसरे घरानों से जो है वो अलग होता है? हाँ, बहुत बड़ा विषय है। छोटा सा एक उदाहरण ये दे सकते हैं कि घराने जो थे वो एक स्टेट, जैसे स्टेट होती है, राज्य होते हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इस तरीके से वो उस वक्त जिस कला प्रफुल्लित हो रही थी या बन रही थी उस वक्त ये ट्रेडिशन बने कि भाई ये घराना है। उसकी खुशबू भी आई और उसके जैसे फूल अलग अलग जगहों के पहाड़ों पे जाएं तो एक अलग वातावरण में वो फूल और वो वनस्पति मिलेगी आपको। समुद्र के किनारे चले जाएं तो कुछ और मिलेगा, रेतीले हिस्सा चले जाएं। उसी तरीके से मुझे अपने इस जयपुर के बारे में ये कहना कि जयपुर घराने में शुरू से ये रहा कि एक तेज प्रवृत्ति का एक सोच विचार से रहा, और मंदिरों में क्योंकि हमारे यहाँ मुग़ल शासन तो हुआ ही नहीं तो वो जो मंदिरों का एक असर था वो तब भी था और वो चलता चला गया। और एक और कहते थे कि जितने बोल आप मुंह से बोल रहे हैं या जो कथा आप मुंह से कह रहे हैं वो करके दिखाओ, इसी को कहते हैं कथा कही सो कथक कहलाए। तो वो उसकी सफाई और उसकी तैयारी और हमारे जो भाव पक्ष जयपुर घराने की विशेषता मेरे को जो लगती है, अब मैंने इतने सालों में जो महसूस किया वो ये मुझे ऐसा लगा कि हमारे यहाँ श्रृंगारिकता के साथ भक्ति का बहुत ओतप्रोत रहा, उसको मिला के रखा। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।